नशा मुक्ति अभियान के तहत अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए हरदा पुलिस ने 39 किलो 600 ग्राम मादक पदार्थ गांजे के हरे पौधे बरामद किए हैं। सोमवार को प्रेस वार्ता के दौरान एसपी मनीष कुमार अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया, सोमवार सुबह सुबह मुखबिर की सूचना पर हरदा जिला पुलिस ने ग्राम कुंभरूम में विजय उर्फ ब्रजेश कोर्ट के खेत में गांजे के हरे पौधे जब्त किए हैं। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह मुखबिर द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी और मुखबिर की सूचना पर ही नारकोटिक्स डॉग स्क्वाड और रहट गांव थाना पुलिस मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर कुरकू के खेत पहुंची। नारकोटिक्स डॉग रूबी की मदद से विजय के मक्के के खेत की तलाशी लेने पर पुलिस ने देखा, खेत में मक्के की फसल के साथ ही बीच बीच में अवैध मादक पदार्थ गांजे के पौधे भी लगे थे। हारदा से आलोक गौर की रिपोर्ट। कितने आरोपी इसमें? और ये टोटल उसके खेत से खर्ची हुई जो नॉर्मली स्ट्रॉग है जो भी आई थी उसके साथ और पूरे साथ ही साथ 39 किलो 600 ग्राम गांजा के जो पौधे हैं है जबकि आरोपी अच्छा ये कहाँ कहाँ सप्लाई करता था? देखिए इसका जो खेत है बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं, लगभग आधे किलो का खेत है तो उसके घर के बाजू में ही था। तो ऐसा कहना है कि कुछ सिलाई के वर्तमान में रसम के लिए चल रहा है, उसके तहत जो है कुछ राजा पिताओं को पकड़ा गया था, उनके द्वारा जो है ये लिख दी गई उसी के कारण सिलानी में एक दो लोगों को दिया था तो क्या उनके ऊपर मामला पंजीकृत हुआ है? हाँ हुआ, सिलानी धन पंजीकृत हुआ है, उसी के अलावा पूछताछ में इंसिडेंट गिर गया है। सर रूबी की क्या भूमिका रही थी आपकी? रूबी जो है बहुत प्रशिक्षित नारकोटिक्स को लेकर के है, तो कोई भी मादक पदार्थ गांजा हो चरस हो अफीज हो उनकी जो सुनने की क्षमता होती है वो इंसान से ज़्यादा होती है, तो वो पहले जाकर के वो खड़े हो जाते हैं ये काफ़ी हमें अच्छा एक सहयोग मिला। तो सर ये जो आरोपी पकड़ा है इसको क्या रिमांड पे कितने दिन की रिमांड थी? दो दिन का रिमांड लिए और पूछताछ करें। मुख्य आरोपी अभी एक ही पकड़ा है? मुख्य आरोपी यही है, किसी भी खेत में लगा खड़ा है तो यही मुख्य। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।